हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज़ अबाउट बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन योर किड एंड हिज और हर टीचर। बच्चे जब स्कूल के नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो कुछ छोटी मोटी बातें, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ नेगेटिविटीज़ को साथ लाते हैं जो उन्हें या तो डिस्टर्ब कर देते हैं या उन्हें बहुत एरोगेंट बना देते हैं। और ऐसे समय पे जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो हम उसमें फायर में बिल्कुल फ्यूल डाल देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मम्मा मेरी टीचर ने बोला कि तुम पागल हो, तुम पढ़ नहीं पा सकते। तो पेरेंट्स आर लाइक, अच्छा उसने ऐसे कैसे बोला, मैं तेरी टीचर को अभी फ़ोन करती हूँ। दिस गिव्स देम द सपोर्ट इन द नेगेटिव्स। सो हाउ कैन यू विल बी एबल टू बिल्ड अ स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन दिस टीचर एंड योर किड इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हेयर आर सम टिप्स। द फर्स्ट टिप इज investigate the problem. If you feel that your child is not feeling well and is very much arrogant and want to discuss anything, first investigate. The investigation should be in a non-judgmental manner. आपको agree या disagree नहीं करना है. You can use the words okay, fine. You just need to ventilate your kid out कि उसके मन में ऐसी क्या चीजें हैं या उसके मुंह से उस scenario को judge करने की कोशिश करें. अगर आपको लगता है कि सिनारियो नॉर्मल है, अगर आपको लगता है कि सिनारियो थोड़ा सा ज्यादा है, तो काम, द सेकेंड टिप इज स्टे काम, रिलैक्स रहें, सुने। उस समय गुस्से से कोई भी रिएक्शन ना दें, बैड माउथ मतलब कुछ गलत चीजें टीचर के लिए नहीं बोलें। जो चीजें आप बोलेंगे वही चीजें आपके बच्चे डेवलप करेंगे। नेगेटिव कमेंट्स मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द टीचर, ठीक है। अगर आपने इतना भी बोला कि वो तो टीचर पागल ही है, बेटा टीचर ऐसा करती होती है, तो इट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, स्टे काम। थर्ड थिंग इज रीच आउट। देखिए, अगर प्रॉब्लम छोटी सी भी है ना, अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो भी आप उसे डायरी में नोट करें और सही समय पर, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स टीचर मीटिंग और एनी इंटरेक्शन विद द टीचर, तब जरूर शेयर करें। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो उस समय टीचर को हाथों हाथ कॉल करना या अगले दिन वहां पे पहुंच के डंडा उठा लेना इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके, रीच देम इन अ वेरी काम मैनर। उस समय बच्चे के सामने भी उसे डिस्कस ना करें, अपने हस्बैंड से डिस्कस करें, घर के बड़ों से डिस्कस करें, एंड देन यू कैन रीच आउट द टीचर। ओके, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम मैनेजेबल है तो उसे पॉजिटिवली चेंज करें। द नेक्स्ट स्टेप इज गिव द इंस्ट्रूमेंट टू योर टीचर, टू योर सन, टू कोप अप विद। देखिए, बच्चे ये नेगेटिव्स या कमेंट्स को आप जितना भी उन्हें रीइंफोर्स कर लें, पॉजिटिवली डील नहीं कर पाते, मूड खराब रहता है। तो उनको फिजिकली किसी गेम्स में, किसी इंटरेस्ट में, हॉबीज में, इफ दे लाइक डांसिंग यू कैन प्ले द म्यूजिक एंड लेट देम डांस, लेट देम इवैक्यूएट द थिंग्स। ओके, यू कैन गिव सम एग्जांपल्स कि देखिए, टीचर को किसी एक बच्चे से ना कोई लड़ाई नहीं है कि इसी के लिए नेगेटिव बोलना है। कभी कभार ना पर्सनैलिटीज मैच नहीं करती, ठीक है। तो बच्चे को पॉजिटिव चीजों में लगाओ, जो चीजें उसे अच्छी लगती हैं उनमें लगाइए, ताकि वो थोड़ा सा पॉजिटिव और काम रह सके। द नेक्स्ट स्टेप एंड द बिगेस्ट सॉल्यूशन इज व्हेन यू फील दैट दिस इज नॉट वर्किंग, देन इज अ टाइम फॉर चेंज। आप अपने बच्चों का सेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रिंसिपल तक जाइए। स्कूल चेंज करने का मन है तो वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दिस इज अ हाई टाइम एंड आई नीड टू टेक अ चेंज, दैट्स ओके, गो फॉर इट। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप चेंज भी कर रहे हैं तो उसे पॉजिटिवली बोलें। बच्चे को ये बोल के चेंज के लिए इंसिस्ट ना करें कि ये तो टीचर बेकार है ना, मैं तेरी क्लास बदल रही हूँ, या ये तो स्कूल ही खराब है, वहां तो बच्चों के साथ गलत ही करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग योर स्कूल। मेक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, बेटा इस स्कूल में ना ये स्पोर्ट्स अच्छा नहीं था, ये एक्टिविटी अच्छा नहीं था, इसलिए मैं आपको इस स्कूल में डाल रही हूँ। जो नया स्कूल आएगा उसमें आपके पास बहुत सारी गेम्स होंगी, घर के पास भी होगा, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। ओके, नेगेटिव कुछ भी रीइंफोर्स ना करें, इट गिव्स अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर चाइल्ड मेमोरी एंड ब्रेन। प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो टू द टीचर्स आउट देयर, टू द पेरेंट्स आउट देयर। मेक अ पॉजिटिव लाइफ अराउंड योर किड सो दैट ही और शी कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड टू माई फिट ब्रेन एंड लेट मी नो द मोर टॉपिक्स यू वॉन्ट टू डिस्कस। थैंक यू सो मच।